AI Tripathi 2006 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये, ए एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 4 इसका एंट्रीज है ये, एंड बी क्या है ए 0 0 बी, एंड ए एंड बी ये दोनों नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, देन कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, फर्स्ट ऑप्शन पे बोला गया है देयर एग्जिस्ट मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ बीज सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पे बोला इस ऑप्शन पे बोला गया है यहाँ पे हमें कुछ फाइनाइट नंबर मोर देन वन एक से ज़्यादा मिलेगा, ऐसा हमें एक से ज़्यादा बी मिलेगा जो ए के साथ कम्यूट हो रहा है, मतलब ए बी इक्वल्स टू बी ए हो रहा है, ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बी मिलेगा जो ए के साथ कम्यूट करेगा, एंड ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पे हमें इनफाइनाइटली मेनी बी मिलेगा जो ए के साथ कम्यूट करेगा, एंड डी पे बोला गया है यहाँ पे ऐसा कोई भी बी नहीं मिलेगा जो ए के साथ कम्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं ए बी करते हैं ए इंटू बी, 1 2 3 4 ए 0 0 बी, अच्छा तो दिस इंटू दिस करेंगे तो 1 इंटू ए होगा ए प्लस 2 इंटू 0 होगा 0, इसके बाद 1 इंटू 0 होगा 0 प्लस 2 इंटू बी 2 बी, 3 इंटू ए 3 ए प्लस 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू बी होगा 4 बी, ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू ए 2 बी 3 ए 4 बी, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, अब बी ए फाइंड करते हैं, बी इक्वल्स टू है ए 0 0 बी, ए है 1 2 3 4, तो दिस इक्वल्स टू होगा ए इंटू 1 ए प्लस 0 इंटू 3 0, ए इंटू 2 2 ए प्लस 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 1 0 प्लस 3 इंटू बी 3 बी, 0 इंटू 2 0 प्लस बी इंटू 4 4 बी, तो दिस इक्वल्स टू ए 2 ए 3 बी एंड 4 बी, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी चारों पे ही ए बी इक्वल्स टू बी ए दिया गया है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दिस इक्वल्स टू दिस ए 2 बी 3 ए 4 बी, ए 2 ए 3 बी 4 बी, अच्छा तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंट्रीज इक्वल होगा, तो ए इक्वल्स टू ए है, एंड ये एंट्रीज इक्वल होगा, तो अगर ये एंट्रीज एंड ये एंट्री इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, 2b इक्वल्स टू 2a, तो इसका मतलब a इक्वल्स टू बी, अच्छा तो ये एंट्री एंड ये एंट्री भी इक्वल होगा, तो a इक्वल्स टू बी हमें मिलेगा यहाँ से, अच्छा तो a इक्वल्स टू बी हमें मिल रहा है, ठीक है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, अच्छा तो यहाँ से हमें b मैट्रिक्स क्या मिला है, तो b इक्वल्स टू हमें मिल रहा है a 0 0 बी, b इक्वल्स टू क्या है a है, ठीक है, एंड a क्या है, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट तक जाता है, तो यहाँ पे हमें ए का क्या वैल्यू मिलेगा, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, मतलब ए का हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी बी आप ए आपको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी ए मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको इनफाइनाइटली मेनी बी मैट्रिक्स मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जो बोला गया है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी बी सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पे आपको इनफाइनाइटली मेनी बी मिलेगा जो ए के साथ कम्यूट करेगा, ओके।